उच्च शिक्षा का स्तर लगातार घट रहा है, भविष्य के भारत का निर्माण कैसे होगा? शिक्षा का स्तर घट रहा है ऐसा हम कहते हैं, शिक्षा नहीं, शिक्षा का स्तर नहीं घटता, शिक्षा देने वालों का स्तर घटता है, लेने वालों का घटता है। छात्र शिक्षा के लिए आता है कि अपने जीवन की कमाई पर दृष्टि रख के उसके लिए आवश्यक डिग्री के लिए आता है? उसको हम घर में कैसा तैयार करते हैं? मुझे एक सज्जन पुणे में मिले, सज्जन यानी कर्तृत्व संपन्न व्यक्ति है, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, इसलिए शिक्षा छोड़ के उनके पिताजी ने उनको पुणे भेज दिया सातारा से, और वहाँ वो प्रिंटिंग प्रेस का काम उसमें नौकरी करने लगे। करते करते उनके ध्यान में आया तो उन्होंने अपनी एडवर्टाइज एजेंसी चलाई और साथ साथ शिक्षा भी पोस्ट ग्रेजुएशन तक पूरी कर ली, और आज उनकी स्थिति यह है कि एक अव्वल एडवर्टाइजिंग फर्म उनकी है, और महाराष्ट्र सरकार को भी अगर किसी गांव का सत्य डाटा चाहिए तो उनके पास जाते हैं, प्रदीप लोखंडे उनका नाम है। उन्होंने मुझे कहा कि भागवत जी, आप लोगों में भाषण देते हो, एक संदेश हमारा पहुंचाओ। तो मैंने कहा क्या संदेश है? उन्होंने कहा हर व्यक्ति को लगता है अपना बेटा आर्किटेक्ट इंजीनियर डॉक्टर ऐसे ही बने। अरे हर लड़का ऐसा नहीं बन सकता, हर एक की अपनी क्षमता भी होती है, रुचि भी होती है, उसको जो अच्छा लगता है वो करने को मिले और जो वो करे वो उत्कृष्ट करे। तिलक जी के लड़के ने कहा कि मुझे ये पढ़ने की इच्छा है, तो तिलक जी ने उसको पत्र लिखा कि जीवन में क्या पढ़ना तुम विचार करो, तुम अगर कहते हो कि मैं जूते सिलाने का व्यवसाय करता हूं तो मुझे चलेगा, लेकिन ध्यान रखो तुम्हारा सिलाया हुआ जूता इतना उत्कृष्ट होना चाहिए कि पुणे शहर का हर आदमी कहे कि जूता खरीदना है तो तिलक जी के बेटे से खरीदना है। अब जो मैं सीख रहा हूं वो मैं उत्कृष्ट करूंगा, उत्तम करूंगा, उसकी उत्कृष्टता में मेरी प्रतिष्ठा है, ये भावना भर के हम छात्रों को भेजते हैं क्या स्कूल में? अपने घर के लड़कों को हम तो उनको ज्यादा कमाओ कैसा भी कमाओ लेकिन कमाओ ये मंत्र देकर भेजेंगे तो शिक्षा कितनी भी अच्छी होगी वो लेंगे नहीं उसको, क्योंकि पिताजी ने कहा है कि दूसरा कुछ लेना है। शिक्षक को यह भान है क्या कि मैं अपने देश के बच्चों का भविष्य गढ़ रहा हूं, एक एक व्यक्ति को मैं गढ़ रहा हूं। अनेक महापुरुष अपने प्राथमिक विद्यालय के, माध्यमिक विद्यालय के, कॉलेज के शिक्षकों को याद करते हैं, क्यों करते हैं? उनके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूशन है, ऐसा उनके जीवन में हमको कंट्रीब्यूट करना है, ये देने वाला शिक्षक है क्या? और शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान ठीक है क्या? शिक्षकों के स्तर का एक प्रश्न है, और कोर्स कंटेंट में भी ये प्रश्न है। कई बार ऐसे होता है हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों से लोग डिग्री लेकर तो निकलते हैं लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं रहते। डिग्रियां बहुत मिल रही, उच्च शिक्षा के संस्थान चल रहे, लेकिन रिसर्च कम हो रहा है हमारे यहां, विषय को पढ़ाने वाले प्रोफेसर शिक्षक कम हो रहे। तो इस दृष्टि से एक सर्वांगीण विचार करके सभी स्तरों की शिक्षा का एक अच्छा मॉडल हमको खड़ा करना पड़ेगा।